Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Sidhant Sharma and students. बहुत टाइम के बाद एक ब्रेक के बाद right, we are back to our series. तो पहले तो ये fun with word, mnemonic vocabulary series जो है हम जारी रखेंगे right. और आपको एक good news भी दे दूँ, बहुत जल्दी आपके रजनी मैम will be back with new vocabulary sessions as well right. तो that will be something really amazing hopefully guys. तो चलो स्टूडेंट शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं. विल माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर. ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव, इसको यूज कीजिए और पाइए 10% का डिस्काउंट तुरंत. ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी. तो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस पे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और ये लर्निंग बिल्कुल लाइव रहेगी, अनलिमिटेड आपका एक्सेस रहेगा और एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ और गाइस यूं कह लो जो जो चीज़ हमें एक्सपेक्टेड होती है फ्रॉम एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कि भाई हमें ये सब चाहिए, वो सब आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा राइट. तो और क्या चाहिए भैया जी, अब कोई बैच है क्या आपके लिए? तो स्टूडेंट्स 22 जून को यानी कि कल आपका एक फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जी रक्षक CDS 2022 कंप्लीट क्रैश कोर्स राइट. अब आप जैसा कि जानते हैं कि CDS में बहुत ही डिटेल सिलेबस आता है, तो ये अभी क्रैश कोर्स का ही काम करेगा क्योंकि 4 सितंबर को तो CDS ही है भाई साहब राइट. तो इसमें विशाल सर हैं, दिव्या मैम हैं, राकेश नेगी सर हैं, मैं हूँ, श्री प्रतीक सर हैं, संदीप कुमार सर हैं, हिमांशु कुशवाहा सर हैं राइट. तो एवरीवन इज गोना टेक केयर ऑफ योर एंटायर सिलेबस और मैं इस पे जुड़ जाऊँगा जुलाई के मिड में राइट. अगस्त में आपका जो है सिलेबस सारा खत्म कर दिया जाएगा, टेंशन लेने का नहीं राइट. और आपको बहुत से अमेजिंग प्रैक्टिस कोर्सेज का इसमें ऐड ऑन मिलेगा राइट. तो एनरोल योरसेल्फ फॉर द सेम. अभी जो स्कीम है राइट, CAPF एक डिफरेंट कैटेगरी है गाइस. अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो आपको 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है, 24 महीने का लेते हैं तो आपको 4 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 12 महीने का SSD प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिलता है. एंड सिमिलर यही ऑफर है हमारे CDS और FCAT के लिए राइट. 1 6 पे 1 24 पे 4 ये तो सेम है और 12 पे 12 राइट. 12 जो है वो SSD का प्लस सब्सक्रिप्शन है. तो अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6 मंथ्स 12 मंथ्स 24 मंथ्स इससे कम नहीं, आप देख लीजिएगा. ये कोड याद रखना सिद्धांत लाइव, इसको यूज करो और पाओ 10% का डिस्काउंट तुरंत. ओके जी. तो स्टूडेंट्स ये आइकॉनिक का है, तो चलिए जी शुरू करते हैं. तो एवरीवन हूसोएवर इज अटेंडिंग माय क्लास फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा एक बिंदास वाला शगुन. तो स्टूडेंट्स हो सका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो है 24 घंटे के विदिन अगर वीडियो दोबारा आता है तो वो नहीं मिलता है राइट. सो टेक केयर इस चैनल पे क्या ऐड हुआ है क्या नहीं हुआ, तो रेगुलरली आते रहिएगा और वीडियोस आपको अमेजिंग मिलते रहेंगे. लो जी, तो स्टूडेंट्स न्यूमोनिक वोकैबुलरी है. आप जानते हैं कि हम वर्ड्स को निकालेंगे उसके बीच में से एंड विल ट्राई टू मेक समथिंग न्यू फॉर यू. लो जी, पहला वर्ड जो कि आज के द हिंदू में था वो है बोल्ट. क्या है जी? बोल्ट. ठीक है, मैं बोलूं बोल्ट कैसे क्या है इसमें? अगर आप देखेंगे तो आपको उसेन बोल्ट की फीलिंग आएगी. सही बोला भाई साहब मैंने, उसेन बोल्ट वाली जो है फीलिंग आएगी इसमें, डेफिनेटली आएगी. तो बोल्ट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? इसका एग्जैक्ट मीनिंग रहता है रन अवे टेकिंग समथिंग, कोई चीज लेके भाग जाना. जैसे मैं बोलूं सुनो, द मंकी बोल्टेड विद माय फोन. तो आप समझ गए, द मंकी बोल्टेड विद माय फोन मतलब उसने भाई मेरा फोन उठाया और गायब हो गया भाई साहब राइट. तो बिल्कुल आप लोग जो है इस वर्ड को डेफिनेटली समझ गए होंगे. द मंकी बोल्टेड विद माय फोन, तो आप समझ गए हैं लो सेकंड वर्ड देखते हैं गाइस, आपको भी सेंटेंस बनाने को देना है, आप लोग बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को ना आदत है एक वो 4-5 सेंटेंसेस अलग अलग कमेंट्स में भेजेंगे। गाइस एक ही कमेंट करो राइट, उसमें मैं पढ़ लेता हूँ, अगर बार बार आता है ना वो मोनोटोनस सा बन जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड राइट। तो चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बड़ा ही क्लासी वर्ड है ट्राइट। क्या वर्ड है जी? ट्राइट। तो ट्राइट बेसिकली क्या होता है, इसके लिए ना मतलब सूर्यवंशम मूवी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मतलब यू कह लो ट्राइट होता है रिपीटेड टू ऑफन। ठीक है, रिपीटेड टू ऑफन, और इसके साथ मतलब क्या बन जाता है वो ऑब्वियसली मोनोटनस या फिर बोरिंग बन जाता है। ठीक है, कोई चीज जो बहुत रिपीट होती है। मैं बोलूं कुछ मूवीज में कुछ हीरोज का या विलन्स का डायलॉग ट्राइट डायलॉग है ना। सूर्यवंशम मूवी सोनी मैक्स पे आती रहती है यार, दिल मेरे तू दीवाना है ना। तो याद कैसे करेंगे? ट्राई इट अगेन। याद कैसे किया जी? ट्राई इट अगेन। बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जाना तो वो ट्राइट हो जाता है। हम बिल्कुल इजीली इस चीज को जो है ग्रास्प कर गए हैं भैया जी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से राइट। तो ट्राइट मैंने बोला कोविड-19 हैज बीन अ ट्राइट टॉपिक नाउ। ठीक है ना, कि भाई कोविड-19 आपने देखा होगा, कोरोना हर जगह बस यही बात होती थी भाई साहब, यही बात होती थी और कोई बात ही नहीं होती थी। क्या करें भाई, क्या करें भैया जी। तो ओके जी, ट्राइट जो है आप लोगों को बिंदास समझ में आ गया। अब गाइज आपको एक बोनस वर्ड भी करवाना है, जैसे कि आप जानते हैं ना एक बोनस वर्ड तो आपको करवाता हूँ। नॉर्मली वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वर्ड है गाइज पेट्रीचोर। क्या वर्ड है जी? पेट्रीचोर। ना तो इसमें कोई पेटी वगैरह की बात होगी, ना इसमें कोई चोर वोर वाली बात होगी। ठीक है, पेट्रीचोर मेरा वर्ड है। तो समझते हैं गाइज, अभी जैसे मॉनसून्स टच करने वाले हैं अपने को राइट। मॉनसून में जब बारिश आएगी, मिट्टी पे उसके बूंदे गिरेंगे है ना। जद अम्बरा बरस से आप पानी, मिट्टी दी खुशबू आई राइट। तो इसका मीनिंग आप यही लिखिएगा, मिट्टी दी खुशबू राइट। ये गाने से याद हो जाएगा। अब ये एग्जाम में कैसे आ सकता है? एफकाट में, सीपीएफ में, सीडीएस में कैसे भी आ सकता है भाई। द प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ऑफ सैंड विच यूजुअली कम्स आफ्टर वी पोर वाटर ऑन इट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिट्टी दी खुशबू, उसे बोलते हैं पेट्रीचोर राइट। इसका कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ये बस डायरेक्टली अगर पूछ दिया गया इसको क्या बोलते हैं तो भाई ये बोलते हैं राइट। तो शाबाश गाइस, नेक्स्ट देखते हैं गाइस वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 है जी टायरो। क्या वर्ड है जी? टायरो। टायरो अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब इसको कैसे ही जज करोगे, नहीं कर पाओगे गाइस। ठीक है, टायरो होता है यंग एंड inexperienced, young and inexperienced। ठीक है, that is your tyro। ओके जी, तो याद कैसे किया? ट्राई करो। अरे बेटा ट्राई तो करो, ये बंदे को कब बोलेंगे? जब अभी 9 सीखिया है बेटा, एक बार ड्राइव करना ट्राई तो करो, साइकिल ट्राई तो करो बेटा, ये चीज जो है ये क्वेश्चन ट्राई तो करो, मतलब आप समझ गए हैं राइट। तो टायरो लो जी आपका होमवर्क है, इसका सेंटेंस बनाना। गूगल करना इसको, वही सेंटेंस मत गूगल से कॉपी करना यार। ठीक है, आप वर्ड को अच्छे से समझो और फिर उसका सेंटेंस बनाओ, तो भाई 4 चांद लग जाएंगे तैयारी को। ठीक है जी, टायरो तुम्हारा हुआ। लो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस, जो कि हमारा आज का लास्ट वर्ड है, वो है जी ओस्ट। क्या वर्ड है जी? ओस्ट। ओस्ट ओस्ट बेसिकली क्या होता है गाइस? ये होता है एक्सपेल और रिमूव, किसी को निकाल देना, किसी को किसी पोजीशन से, किसी पदवी से निकाल देना, उसको ओस्ट कर देना, मतलब एक्सपेल कर देना या रिमूव कर देना। तो भाई साहब बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है भाई आज, ठीक है। तो याद कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए? गेट आउट। ओस्ट में थोड़ी थोड़ी आपको आउट वाली फीलिंग आएगी। गेट आउट से क्या मैंने लिखा, ही वॉज ओस्टेड फ्रॉम द रैंक ऑफ अ मेजर। ही वॉज ओस्टेड फ्रॉम द रैंक ऑफ अ मेजर, राइट। तो आप समझ गए, समझ गए भैया जी। तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो लो जी, एक रिवीजन तो बनता है भैया जी। पहला है बोल्ट, उसेन बोल्ट से याद किया, रन अवे टेकिंग समथिंग, ओके। ट्राई इट अगेन, रिपीट इट टू ऑफ्टन, ओके। पेट्रिचोर, मिट्टी दी खुशबू, ठीक है। टायरो, ट्राई करो, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ओके। एंड ओस्ट, एक्सपेल और रिमूव। ही वाज ओस्ट, गेट आउट से याद हो जाएगा। तो शाबाश। तो बच्चा लोग, अनअकैडमी प्लस पे ढेर सारे ऑफर्स लगे हुए हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सिद्धांत लाइव, राइट। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइस, मुझसे कोई बात करनी हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। रिप्लाई थोड़ा लेट ही मिलेगा गाइस, थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, लेकिन मिल जाएगा, राइट। व्हाट्सएप कीजिएगा, डोंट कॉल ऑन दिस नंबर, ओके। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।